क्या तुम तुम्हारे आसपास किसी लड़की या औरत को पटाना चाहते हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिससे टेलीविज़न मीडिया औरतों को अपना गुलाम बना कर रखती है, और उसकी मदद से तुम भी औरतों को अपना गुलाम बना सकते हो। वो खुद को रोक नहीं पाएगी जब भी तुम उसे नज़र आओगे, क्योंकि वो जब भी तुम्हें देखेगी अपने कपड़े उतार कर तुमसे हमबिस्तर होना चाहेगी। तुम अभी सोच रहे होंगे क्या ऐसा होना पॉसिबल है, तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर तुम्हें यह पता ना हो कि लड़की कैसे पटाते हैं तो भी, अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो भी, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी, या तुम कोई फेमस बंदे नहीं हो तो भी, और तब भी ये तुम पर काम करेगी जब तुम हॉट खूबसूरत लड़कियों के बीच शर्माने वाले बंदे हो। क्या तुम जानते हो टीवी नेटवर्क 5 तरह का नशा फैलाती है और औरतों के दिमाग इसी से प्रभावित होती है? वो टीवी सीरियल्स औरतों को बचपन से अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। बस यही नशा मैं अपने अंदर समा लिया है, इसीलिए कोई भी खूबसूरत लड़की मेरी ओर आकर्षित होती है और कोई भी लड़की मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। फिलहाल मेरी गर्लफ्रेंड वो है जिसकी मैंने उम्मीद भी ना की थी। इतनी खूबसूरत हॉट साक्षी लड़की शायद ही मुझे मिलते। उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप उसके टिकटॉक के फॉलोअर से लगा सकते हो, और वही है जो मेरे बारे में उसकी सहेलियों को बताती है, और उसकी सहेलियाँ प्राइवेटली मुझसे बात करने की कोशिश करती है। जानना चाहते हो ना मैंने ऐसा कैसे किया? बस वीडियो को देखते जाओ, सब कुछ समझते जाओगे। 5 सीक्रेट हैं जिससे औरत तुम्हारी ओर आकर्षित होगी, उसे तुम्हारी आदत हो जाएगी, और वही तुम्हारे बारे में हमेशा बात करती रहेगी और बार बार तुम्हारे साथ हमबिस्तर होना चाहेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताता हूँ। 1 हफ्ते पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत अकेला हो गया था मैं। उसने मुझे छोड़ दिया इसका मुझे उतना दुख नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कहा वो मुझसे तंग हो चुकी है और उसे बेहतर इंसान की तलाश है, तो मानो मैं रो ही पड़ा। जब उसने ये कहा तो मुझे लगा यार मुझ में क्या कमी है, ऐसा लगा मैंने सब कुछ खो दिया। ये बात मुझे रोज चुभती थी, उसने ऐसा क्यों कहा, मुझ में क्या कमी है, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता था। मैं सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हूँ, इसके पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ मेरी ज़िंदगी में आई, बस उसके बाद ना जाने मेरी दुनिया ही खो गई। पहली बार मैं खुद में कमी ढूंढ रहा था। मैं नई लड़की पटाने की कोशिश करता तो उसकी बातें उसका चेहरा सामने आ जाता। कुछ दिनों के बाद मैं मेरे दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, तब मुझे सबसे बड़े दुख का सामना करना पड़ा। मानो मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया। मैंने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को देखा, वो दूसरे एक लड़के के साथ हंस रही थी, उसे बार बार टच कर रही थी, उसके साथ जोक कर रही थी, फ्लर्ट कर रही थी। रात का वक्त था, रास्ते के पास एक चाइनीज़ कॉर्नर पर बैठी थी। सबसे बुरी बात मैं तुम्हें बताऊँ, उसने कपड़े ऐसे पहने थे जैसे वो आज ही उस बंदे के साथ सोने वाली हो। वो बंदा उसे हाथ लगा रहा था, उसे बार बार पैर लगा रहा था। वो इतनी बन ठन कर आई थी कि उसके हेयर स्टाइल, उसका बॉडी लैंग्वेज, बात करते वक्त उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो बहुत खुश है उस लड़के के साथ। वो इतनी एक्साइटेड थी कि मानो वो भी उसके साथ सोना चाहती है। उसने शायद मेरे बारे में उस लड़के को सब कुछ बता दिया, या मेरा मजाक उड़ा रही थी कि उसने मुझे छोड़ दिया। वो लड़का मेरे पास आया और मुझे समझाने लगा कि मैं कोई उल्टा सीधा हरकत ना कर दूँ। मैंने नज़र झुका लिया और वो भी नज़र झुका कर बैठी थी। और एक बुरी बात बताओ, मैंने हफ्तों से शेविंग नहीं किया था। दोस्त के साथ ऐसे ही निकला था तो कुछ भी पहन कर निकला था। ऐसा लग रहा था वो मुझे छोड़ गई, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मजनू बना घूम रहा हूँ। मैंने मेरे गले में एक स्कार्फ लटका के रखा था, पूरी तरह से बेवकूफ़ नज़र आ रहा था। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप के बाद पहली बार देखा था। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ, मुझे बेइज्जती फील हो रही थी। मेरे दिमाग में 2 बात चल रहा था, उससे बदला लूँ और उससे भूल कर नई शुरुआत करूँ। मैंने मेरे लाइफ को चेंज करने का फैसला लिया। मैंने फैसला लिया मैं कभी उसके रास्ते नहीं आऊँगा और ना ही उसके बारे में सोचूंगा। मैंने 100 से ज़्यादा लड़की पटाने के तरीके के बुक्स पढ़ लिए, इंटरनेट पर भी बहुत सारे वीडियोस देखे, ऑडियोस सुने, बहुत सारे लव गुरु से मिला, उनसे बात की, पर्सनैलिटी डेवलपर से मिला, डेवलपमेंट के कोर्स किए, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बार बार वो याद आ जाती, बुक्स और पर्सनैलिटी डेवलपर बस तुम्हें गुमराह करते हैं। बुक्स और पर्सनैलिटी डेवलपर बस तुम्हें अच्छा लगे वही बात करते हैं, उसमें शायद ही कोई काम की चीज़ मुझे मिली। बस इंतज़ार करो, सही टाइम पर सब कुछ बदल जाएगा। आज उसका दिन है, कल तुम्हारा आएगा। आज बुरा वक्त है, कल अच्छा टाइम आएगा। बस सिर्फ सपनों की दुनिया में ये गुमराह करते हैं। लव गुरुज पर्सनैलिटी डेवलपर ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं जिससे लॉजिक का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मैंने तो जादू टोना वशीकरण भी करके देख लिया, सब फालतू। मैंने सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू किया। मैं सोचने लगा आखिर क्यों उसने ऐसा कहा,
मुझसे बेहतर इंसान चाहिए, आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। दिमाग लगाने के बाद मुझे मेरी गलती का पता चला। अब मैं तुम्हें जो बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, यह फॉर्मूला मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं चारवाक सिद्धि के उस सीक्रेट पर से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जिससे कोई भी किसी को कभी भी आकर्षित कर सकता है, और ये हर बार काम करती है। याद रखना, ये तरीका मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, तुम्हें भी इससे फ़ायदा होगा। मैं भी तुम्हारे जैसा एक आम इंसान हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि तुम्हें पूरा खेल समझ में आ जाए और तुम भी किसी भी लड़की को लालच देकर अपनी ओर आकर्षित कर सको। मैं तुम्हारा सिचुएशन जानता हूँ और समझता हूँ कि लड़की पटाने में तुम कौन से प्रॉब्लम को फेस करते हो। तुम खुद ही खुद के दुश्मन हो। तुम जिसे प्यार करते हो या जिसे पसंद करते हो, तुम उसे बता देते हो कि तुम उसे प्यार करते हो। सीधे शब्दों में जाहिर ना भी करो तो तुम्हारी हरकतें बता देती है कि तुम उसे पसंद करते हो। तुम उसके सामने किसी बंदर की तरह नाचते रहते हो और उम्मीद करते हो वो एक नज़र बस तुम्हें देख ले। तुम्हारी सारी मेहनत बस उसे एंटरटेन करने में होती है। तुम गलत जगह निशाना लगाते हो। तुम्हारी औकात बस उसके सामने एक जोकर बनकर रह जाती है। तुम उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ पर झूठ बोलते जाते हो, खुद की शेखी बखारते रहते हो, और यही गलती है जिसकी वजह से वो तुमसे दूर हो जाती है। जब तुम औरत को बोलते हो कि तुम बहुत हैंडसम हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम दूसरे लड़के जैसे नहीं हो, तुम उससे बहुत प्यार करोगे, तब लड़की अपने दिल और दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बनाती है, और जब उसे तुम्हारी हरकतों में ये चीज़ नहीं दिखती तो वो तुम्हें एक झूठा इंसान समझती है। औरत को खूबसूरती से मतलब नहीं होता, और ना ही पैसों से, ना ही आलिशान लाइफ स्टाइल से, पर अगर तुमने उसे कहा कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो उसे पैसों से मतलब होगा। अगर तुमने उसे लाइफ स्टाइल की बात किया है तो उसे तुम्हारी लाइफ स्टाइल से मतलब होगा। बहुत सारे लड़के लड़की के सामने कॉन्फिडेंट बनकर जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से सुनी होती है कि लड़की को कॉन्फिडेंट लड़के पसंद होते हैं, पर वो दरअसल कॉन्फिडेंट बातें करते हैं, असल में वो कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं, और औरत इसी बात को पहली नज़र में समझ जाती है, पर बहुत बार वो ये लड़के के सामने जाहिर नहीं करती और ना समझ बनकर खेल खेलती रहती है। लड़के को लगता है ये मेरे कॉन्फिडेंट से इम्प्रेस हो गई और वो और कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करता है। औरत को वही बोलो, उसे वही नज़र आओ जो तुम हो, उसे ओरिजिनल चाहिए, कोई डुप्लीकेट एक्टर नहीं। तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है, तुम उससे बात करना चाहते हो, ये नेचुरल है। सबसे पहले तो ईश्वर के इस फंडे को समझो। तुम्हें लड़की से बात करने में डर लगता है, यकीन मानो खूबसूरत लड़कियां भी खुलकर लड़कों से बात करना चाहती हैं। जब दोनों की चाहत एक है फिर दोनों अलग क्यों? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती है टीवी, मीडिया, मैगजीन, सोशल साइट्स का, जो दोनों की एक्सपेक्टेशन और ज़रूरतों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। तुम देखते हो लड़का कॉलेज में अपनी फेरारी लेकर एंटर करता है और वो लड़की को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है तो लड़की उसे पट जाती है। अब तुम सोचते हो साला फेरारी कहाँ से लाओ, फेरारी की वजह से कहीं वो ना ना कर दे। तुम उससे बात ही नहीं करते, तुम्हारा ध्यान लड़की से उठकर फेरारी की तरह चला जाता है। टीवी सीरियल में दिखाते हैं गोरी, स्लिम, सुनहरी बालों वाली लड़की के कितने हजारों दीवाने होते हैं। लड़की भी सोचती है पहले स्लिम हो जाओ, बाल सुनहरे करवाओ, पहले गोरी हो जाओ, नहीं तो कोई लड़का पसंद नहीं करेगा। लड़कियां भी अपना ध्यान लड़कों से उठाकर बाल सुनहरे करवाने में लगा देती है। जिम जाओ, अच्छी पर्सनैलिटी बनाओ, फिट शरीर सबको पसंद होती है, पर इसको इतना ज़रूरी मत बनाओ। लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़कों के लिए है, दोनों जैसे भी है, दोनों को पसंद आते हैं। इस सच को समझो और बात करो। दर्शकों से मीडिया, फिटनेस, टीवी, न्यूज़ तुम्हें बेवकूफ़ बनाती आ रही है, ये तुमसे झूठ बोलती है। तुम्हारे दिमाग को यही लोग कंट्रोल करते हैं। तुम उसे खूबसूरत समझते हो, तुम उसे अच्छे इंसान समझते हो जो ये लोग तुम्हें बताते हैं। खुद से कभी सवाल करके देखना, तुम जिसके पीछे पागल हो, जिसे तुम पसंद करते हो, क्या सच में तुम उससे प्यार करते हो? ये ना पूरा होने वाला कोई सपना तो नहीं जो तुम खुद को बताते आ रहे हो और समझाते आ रहे हो? टीवी मीडिया तुम्हें खुद से नफरत करवाती है, वो ऐसी बातों का प्लान करती है, ऐसी चीज़ों का जाल बुनती है जिसमें तुम फंस जाते हो। टीवी मीडिया कभी उस इंसान को लीड रोल नहीं देती जो कम खूबसूरत हो या जो तुम्हारे जैसा दिखता हो, वो तुम्हारे सामने इम्पॉसिबल चीज़ें रख देती है जो तुम कभी हासिल ना कर सको, और अगर तुमने कभी उसे हासिल कर लिया तो किरदार बदल जाते हैं। ये बस तुम्हें गोल गोल घुमाते आ रहे हैं, तुम्हारी मंजिल बदलती रहती है, ये कभी तुम्हें कहीं पहुंचने नहीं देते, बस पीछे पीछे भगाती रहती है। इसके उल्टा मूवीज ऐसे लड़के लड़कियों को विलन रखती है जो तुम हो, जिसकी हालत तुम्हारे जैसी होती है, तुम सदियों से इनमें फंसते आ रहे हो।
लड़कियां टीवी सीरियल की दीवानी होती हैं, क्योंकि उसमें दुख है, दर्द है, बदनसीबी है, खुशी है, उससे फीलिंग है। औरतों के लिए फीलिंग ऐसी होती है जैसे लड़कों के लिए पॉर्न मूवीज। जैसे लड़के पॉर्न मूवीज की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही लड़कियां फीलिंग्स रोमांस मूवीज की ओर आकर्षित होती हैं। औरतों को इमोशन चाहिए होता है, इसलिए वो डेली सोप्स देखती है, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती है। औरत उसी मर्द की ओर आकर्षित होती है जो औरत को इमोशन दे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं तुम उसे गुस्सा दिलाओ, खुश करो या दुखी करो। मेरा मतलब है औरत के भावनाओं को कंट्रोल करने से है, हमेशा सस्पेंस और इंटरेस्टिंग बनाए रखने से है। मैं क्लियर कर दूं, किसी लड़की को पटाने के लिए तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं, पर तुम्हें सीखना होगा औरत के अंदर अपनी मर्जी के अनुसार भावनाएं कैसे पैदा की जाती है और उस भावनाओं को साक्षी में कैसे बदला जाता है। औरत के भावनाओं के साथ हो जाओ, जब वो दुखी हो तो दुखी हो जाओ, जब वो खुश हो तो खुश हो जाओ, उसकी भावनाओं को समझो। जब ये तुमसे ऑटोमेटिकली होने लगेगा तब औरत तुम्हें खुद पटाएगी। सुनने में जितना आसान लग रहा है करने में उससे भी आसान है, बस उसके भावनाओं के साथ बने रहो। जब तुम उसके भावनाओं में शामिल होंगे तो औरत तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। जैसे जब तुम उसके दुख के भावनाओं में शामिल हुए थे, जब वो दोबारा दुखी होगी तो वो तुम्हें मिस करेगी, तुम्हारे बारे में सोचेगी। वो तुम्हारे बारे में सोच सोच कर तुम्हें दिमाग से दिल में जगह दे देगी। गौर करो तो औरत के भावनाओं पर उसका कंट्रोल नहीं है, वो ना भी चाहे तभी तुम्हें दिल में बसा लेगी। मर्द बनो। मर्दानी का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी से भी पंगे लेते फिरो या माचो बनकर घूमो। मर्द वो नहीं होता जो टीवी सीरियल में दिखाते हैं। देखो हमें कैसी लड़की पसंद आती है, जो संस्कारी हो, प्यारी हो, शर्माती हो, जो लड़की हो और खुश हो। हम उस लड़की को थोड़ी ना पसंद करते हैं जो मर्दों की तरह चलती है या जो गुटखा खाती है। लड़की अभी मर्दों की ओर आकर्षित होती है, उसे बॉयफ्रेंड चाहिए होता है। भला एक लड़की ऐसे लड़के को क्यों पसंद करेगी जो लड़कियों जैसी हरकत करता हो। तुम्हें जिम जाकर मसल्स बनाने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही उसके सामने जाओ। हाँ, थोड़ा सा साफ सुथरा रहो, लड़की को ये पसंद होता है। और सीधा बात करो, यही तो मर्दानी होती है कि तुम किसी से भी नहीं डरते, सीधी बात करते हो। वो तुम्हें इसी वजह से पसंद करेगी और तुम्हारे जल्दी फैसले लेने की काबिलियत की वजह से वो तुमसे प्यार भी करेगी। तुम अपने कुल लाइफस्टाइल से खुश हो, तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, तुम अपना इन्जॉयमेंट खुद डिसाइड करते हो, तो लड़की भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेगी। लड़कियों को प्लान बनाना पसंद नहीं होता, वो तुम्हारे प्लान के साथ जुड़ना चाहती है। जो खुद के लाइफ में खुश होता है उसमें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, उसकी बातों में मैच्योरिटी झलकती है। लड़की से मत पूछो कि तुम क्या चाहती हो, उसे बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे प्लान क्या है। वो चाहती है कि तुम डिसाइड करो कि कहाँ जाना है, कौन से रेस्टोरेंट अच्छे हैं, ऐसी जगह का चुनाव करो जहाँ उसे कोई ना जानता हो। लड़कियां मर्द में ये देखती है कि तुम्हारे प्लान कैसे होते हैं और तुम कैसे फैसले लेते हो। अपने अंदर मर्दानी डेवलप करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। सोचो तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें एहसास हो कि तुम मर्द हो और सभी औरतों को तुम्हारे जैसा मर्द चाहिए, तो तुम बिना डर किसी भी लड़की से बात कर लोगे, उसकी हाँ या ना का परवाह किए बिना उससे मिलोगे, घुल मिल जाओगे। जब तुम इस बात से रिलैक्स हो जाते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली तुम्हें पसंद करती है या नहीं, तो तुम्हारे बात करने का अंदाज बदल जाता है, तुम्हारे बातों में गरिमा सशक्तता झलकता है, तुम सेल्फ डिपेंडेंट नजर आते हो। और यही चीज है जो औरत को पसंद आती है। औरतों को मर्द चाहिए, कोई बच्चा नहीं।